दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ऑफर के बारे में जिस ऑफर के जरिए आप सभी को 50 रुपए का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में और आसानी से मिलेगा। तो ये ऑफर जो है मैडबरी बाइट की तरफ से है और इस ऑफर को कैसे कंप्लीट करना है और कैसे आप लोगों को 50 रुपए तक का जो है कैश मिलेगा पेटीएम कैश, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। केवल 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आप लोगों को 50 रुपए तक का जो है पेटीएम कैश आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ऑफर के लिंक को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, तो सबसे पहले आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं भाई अर्न करो, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आपको जो है यहाँ पर एक बैनर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है पोस्टर के नीचे एक लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है। जस्ट आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आप सभी को जो है कुछ अपने डिटेल्स को भरना है, जैसे कि आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है मैं फटाफट से जो है उस ऑप्शन को फिल कर लेते हैं, इन्हीं भर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है सही डालना है, क्योंकि इस पर जो है एक OTP आएगा, यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको जो है आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना email ID डालना है एंड यहाँ पर आपको जो है अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट OTP पर जो है क्लिक कर देना है और ध्यान रहे कि आपको जो है मोबाइल नंबर और email ID जो है सही डालना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और email address पर जो है आपका जो भाउचर होता है उसका जो है कोड आएगा, और उस कोड को कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा, यानी पेमेंट कैसे लेना है ये भी बताऊंगा। ओके, तो जो भी आपको वन टाइम पासवर्ड है OTP उसको जो है डाल देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जो है बहुत सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि जीरा, यानी घर में जो जो भी सामान रहता है घरेलू सामान, वो जो है देखने को मिल जाए, तो कोई भी आपको जो है चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीरा मैंने सेलेक्ट किया है, तो मैंने लिख दिया आई लाइक जीरा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड फाइंड माई मैच पर क्लिक कर देना है, जो येलो कलर का है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक डिस्क्रिप्शन लिखने का, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया है, जो भी आइटम सेलेक्ट किया है उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्लेवर लिख दीजिएगा, यानी ये पूछ रहा है कि आपको जो है कौन सा फ्लेवर जो है पसंद है, तो आपने जो भी ऑप्शन में सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने जीरा किया था तो मैंने जीरा फ्लेवर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है येलो कलर वाले पिकअप एंड सबमिट पर क्लिक करना है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर से जो है ये मैचिंग लेगा 5 से 6 सेकंड। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद टेक द सर्वे पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको जो है इसमें जो है किसी ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना है, यानी किसी ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो जो भी प्रश्न है उसमें से जो है किसी भी ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका काम डन हो गया। उसके बाद सबमिट पर आपको जो है क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें जो है 10 रुपये का जो है कार्ड मिला है, जो कि पेटीएम भाउचर का कार्ड होता है, और उसको जो आपको रिडीम करना है। कैसे रिडीम करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आपको जो है ईमेल अपना चेक करना है, तो सबसे पहले हमको ओपन करना है अपना ईमेल। ईमेल पर ही हमारा जो है कोड गया होगा, तो कोड को कैसे रिडीम करना है ये भी मैं आपको अब बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है ईमेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो जो भी आपने ईमेल वहाँ पर डाला था उस ईमेल को आपको जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करना है। जस्ट आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन स्पैम का, तो आप सभी को स्पैम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेल जो कि आया है कैडबरी, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आप सभी का कोड, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेल है, ये जो इसी मेल के अंदर आप सभी को एक लिंक भी देखने को मिलेगा, और उसी लिंक के जरिए जो है आप सभी को अपना अमाउंट को क्लेम करना है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को जो है इस कोड को जो है कॉपी करना है। ये आपको जो कोड देखने को मिल रहा है, इस कोड को जो आपको सिंपली कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कोड को कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको जो है सिंपली ऊपर में देखने को मिल जाएगा एक लिंक, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं www. यहाँ पर लोग देख सकते हैं, इस लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली जो कोड आपने कॉपी किया है उस कोड को जो आपको डालना है। यहाँ पर आपको जो है अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद जो भी आपने वहाँ पर नाम डाला था फर्स्ट में, वही नाम को आपको जो है सेम डालना है। उसके बाद उसी ईमेल को डालना है एंड यहाँ पर आपको जो है उसी मोबाइल नंबर को डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आई एम
नॉट रोबोट, इस पर आपको क्लिक करना है और ये दो बॉक्स है इस पर आपको जो है क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पर आपको जो है डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली सबमिट कर देना है। तो फटाफट से मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ, अभी तक ओटीपी आया नहीं है, थोड़ा सा हम लोग जो है वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ओटीपी आ चुका है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ओटीपी को डालकर मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है अपना नाम डालना है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप जो है चाहे तो अपने अमाउंट को यूपीआई के जरिए भी ले सकते हैं, पेटीएम वॉलेट में भी ले सकते हैं, अकाउंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो मैं पेटीएम वॉलेट में लूंगा। ओके, यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली पेटीएम वॉलेट आईडी डालना है, यानी पेटीएम वॉलेट का नंबर डालना है, जो भी आपका पेटीएम का नंबर है उसको आपको जो है डालना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने पेटीएम का नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं रोबोट नहीं हूँ यानी आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली प्लेस पेमेंट पर क्लिक कर देना है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जस्ट आप प्लेस पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका जो है काम डन हो चुका है एंड यहाँ पर ये बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और 100% 3-4 घंटे के अंदर जो है मेरा अमाउंट जो है मेरे पेटीएम वॉलेट के अंदर आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो है दिखा दिया है पेटीएम का, और 3-4 घंटे आपको जो है वेट करना है। जितना भी अमाउंट आपको मिलता है 50 रुपए तक आपको मिलेगा, 10-50 रुपए तक, और मुझे जो है 10 रुपए मिला था। जितना आपको अमाउंट मिलता है वो जो है विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम 5 आवर्स लगेंगे, उसके बाद जो है आपका इजिली पेटीएम के अंदर या जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है यूपीआई या बैंक अकाउंट उसके अंदर जो आपका बैलेंस आ जाएगा। ओके यार, चलिए फिर मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलता हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।